जी स्टूडेंट्स, आपका जो सेवन चैप्टर है ये टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग, जिसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, इसका नाम रैंडम वेरिएबल्स है, ये आपका स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है जी। रैंडम वेरिएबल सेवन चैप्टर, ये टेक्स्ट बुक में सेवन चैप्टर है, आपकी बुक में आई थिंक ये एट चैप्टर है, या इसके बारे में आप देख लें कि कौन सा चैप्टर है। रैंडम वेरिएबल का चैप्टर जो है ये शामिल नहीं है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जी। अब आ जाएँ एट चैप्टर की डेफिनेशन पे। एट चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये इंट्रोडक्शन है, ये आपने एक बार इसको सारे को रीड करना है। व्हेन एवर वी वॉक टॉक अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, देर इज द नीड टू एसोसिएट अ न्यूमेरिकल वैल्यू विद ईच ऑफ देयर आउटकम्स इन ऑर्डर टू स्टडी देम। एज अ रिजल्ट टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स अराइज जी। दो इसके टाइप्स हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखी है। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऑलमोस्ट ऑलवेज अराइजेस इन कनेक्शन विद कॉन्टिन्यूइंग काउंटिंग, एंड अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज वन हूज वैल्यूज आर टिपिकली ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट्स। इन केस ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आ जाएगा आपके पास। आप बेशक इसको रीड ना करें, जस्ट इतना ही इसको ही रीड कर लें इसकी डेफिनेशन के लिए। उसके बाद ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन हो जाएगी, ये आपने करनी है। उसके बाद आ जाएं प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन पे। एज द वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज डिटर्मिंड बाय द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, वन कैन एसोसिएट विद ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम। ये प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है, ये आपने याद करनी है। वेरिएबल आ प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम वेरिएबल विल टेक वन ऑन द वैल्यू, यहाँ तक आप बेशक कर लें या आगे भी लिख लें। द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल y डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ y एंड द प्रोबेबिलिटी, बस इतना आप कर लें, इनफ है। उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं कुछ। नेक्स्ट आप ये देखें सिंपल यूनिवेरिएट डिस्क्रीट जी, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। नेक्स्ट पेज पे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। जो अभी हमने पीछे पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कि ये आपको भी वैसे पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी रेंज 0 to 1 होती है, और प्रोबेबिलिटी का सम किया जाए तो 1 के बराबर होता है। ये दो ही प्रॉपर्टीज हैं इसकी। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं हाईलाइटेड। नेक्स्ट आप देखें आपकी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है इस चैप्टर में। आई थिंक इसमें आपका कंप्लीट हो गया है, नहीं ये थोड़ा सा रह गया है। एक्सपेक्टेशन का टॉपिक आपका है इसमें, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ द सिंपल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जी। सिंपल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन और वेरियंस। अब उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये डेफिनेशन लिखी है। Expected value, let y be a discrete random variable with probability function probability of y. The mathematical expectation or expectation of the discrete random variable y denoted by expected value of y is denoted by expected value of y. इसको डिनोट करेंगे। उसके बाद आप आ जाएं वेरियंस पे जी। वेरियंस की डेफिनेशन क्या है, द वेरियंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल y इज द वेरियंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा स्क्वायर, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y माइनस म्यू होल स्क्वायर, इसे डिनोट करेंगे। उसके बाद आप आ जाएं प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन जी। अभी जो हमने पिछले पेज पे एक्सपेक्टेशन पढ़ी है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू c, यानी कि c स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टेंट। कोई भी कांस्टेंट हो, कोई फिक्स्ड वैल्यू हो, उसकी अगर हम एक्सपेक्टेशन लें तो वो उसी फिक्स्ड वैल्यू के बराबर आएगी। नंबर टू, आपके पास स्टेटमेंट है बी वाई प्लस ए, इसकी एक्सपेक्टेशन लें तो जो वाई है वेरिएबल है उस पे तो ई जाएगा, लेकिन
जो कांस्टेंट हैं, चाहे प्लस है चाहे माइनस है चाहे मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड, जैसे ए प्लस हो रहा है और बी कह ले के आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वाई पर चला जाएगा आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। नेक्स्ट इसकी अगली प्रॉपर्टीज भी आपने करनी है। अगर आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई हो तो वो बराबर होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई पे। अगर दरमियान में माइनस का साइन आ जाए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, तो वो माइनस का साइन रहेगा। उसके बाद अगर कुछ मल्टीप्लाई दोनों वेरिएबल्स हो रहे हैं तो वो भी मल्टीप्लाई रहेंगे, एक्सपेक्टेशन दोनों पे चली जाएगी। जी नेक्स्ट आपकी ये एग्जांपल्स हैं कुछ, फिर आ जाएं नेक्स्ट, ये भी एग्जांपल्स हैं सारी। अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहते हैं कौन कौन सी हैं तो वो स्मार्ट सिलेबस में आप देख लें, सेपरेट वीडियो मौजूद है कि कौन कौन सी एग्जांपल्स आपकी हैं। जी आई थिंक आपका इसका कंप्लीट हो गया डेफिनेशन, अभी इसके एमसीक्यूज़ पे आ जाएं। जी अब इसमें 38 स्टेटमेंट्स वाले एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ इसमें ट्रू फॉल्स करें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अ रैंडम वेरिएबल इज़ आल्सो नेम्ड एज अ चांस वेरिएबल। जी रैंडम वेरिएबल को चांस वेरिएबल भी कहते हैं, ये ट्रू है। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अकरिंग ऑन जीटी रोड ड्यूरिंग वन मंथ इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये फॉल्स है कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट अकरिंग ऑन जीटी रोड ड्यूरिंग वन मंथ इज़ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। आपको पता है एक्सीडेंट्स की तादाद जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगी, वो डिस्क्रीट होगी। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट या दो होंगे या तीन एक्सीडेंट्स होंगे, ऐसा नहीं होगा 2.1 एक्सीडेंट हुआ है, 2.5 एक्सीडेंट हुए हैं, यानी कि पूरा नंबर आगे जंप करेगा, डिस्क्रीट है, कॉन्टीन्यूस नहीं है। द प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एक्सीड वन। जी ये ठीक है, ट्रू है कि प्रोबेबिलिटी जीरो से स्टार्ट होती है और वन तक जाती है, वन से एक्सीड आगे नहीं जा सकती। द रेंज ऑफ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल इज़ फ्रॉम जीरो टू एन। जो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है उसकी रेंज जीरो टू एन है, ये फॉल्स है। कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल की रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, द या कह लेंगे जीरो टू प्लस इन्फिनिटी कर लें, एन तक नहीं। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। जी ये ट्रू है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ आ रैंडम वेरिएबल इज़ आल्सो नेम्ड एज द मीन ऑफ आ रैंडम वेरिएबल। जी ये ट्रू है। द प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैन बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी फंक्शन नेगेटिव हो सकता है, ये फॉल्स है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, प्रॉबर्टी फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद अ डिस्क्रीट प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ग्राफ। जी ये ट्रू है। इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई बराबर है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इनटू। जी ये भी ठीक है, ये ट्रू है। और इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल देन स्टैंड डेविएशन ऑफ एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये थोड़ी सी इसमें गलती कर दी है कि दरमियान में अगर माइनस का साइन हो ना तो वो प्लस हो जाता है, स्टैंड डेविएशन में भी और वेरिएंस में भी, इन दोनों में दरमियान में अगर माइनस हो तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये फॉल्स है। आई होप आपको इस चैप्टर की भी समझ आ गई होगी, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज डेफिनेशन। कोई आपको प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे पूछिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।